वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और बात करें हम आपके बैक पेन की, हड्डियों के दर्द की। और हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महमूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, कैसे आज इत्तेफाक की बात है, डॉक्टर खुर्शीद अनवर ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मैं एक तो अपने मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता है, घुटनों में तो मेरे साथ दर्द बहुत शदीद दर्द होता है कि ये जो घुटने के ऊपर हड्डी है ना, इनमें मेरे पेन होता है, फिर पूरी टांगों में दर्द होने लगता है। ओके, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? इनकी खातून की उम्र कितनी है? वो आप इनसे पूछे ना, कैमरा ये रहा, इनमें से बोल पूछे। आपकी मैडम उम्र कितनी है? मिसेस महमूद आपकी उम्र कितनी है? 67 years. तो इसके अंदर बेसिक वजह जो है आपकी, कम से कम आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब इनको डिटेल में बताइएगा, मैं मिसेस महमूद बात सुनिएगा। हेलो, अच्छा आपकी उम्र 58 है? 57 ओके 57 ये बताइए ये प्रॉब्लम कब से है? ये मुझे अभी कोई तकरीबन 7-8 महीने से शुरू हुई है मुझे। अच्छा, इससे पहले कोई और शुगर या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना मुझे कोई और बीमारी। अच्छा, डॉक्टर के पास आप कभी गई थी इस 2-3 महीने की प्रॉब्लम में कभी गई कि चलो नहीं गई थी इतनी सीनिया में, वहाँ दिखाया था और तो मेरे कान में दर्द होता था, तो उन्होंने सब वो चेकअप किया था और उसके बाद इसका मैंने बताया, टेस्ट कराया, उसके बाद फिर मैं नहीं गई। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, फैमिली में कभी ये जो आपकी जो ये वेट कितना है आपका, आपकी उम्र के हिसाब से जरा ये भी मालूम हो ना वेट कितना है? मेरा जो वेट है बेटा वो है 71-72। वेट हेल्दी है ना? काफी टाइम हो गया, वो भी काफी टाइम हो गया, मैंने नहीं किया थी। अच्छा, वैसे आप हेल्दी है ना, इसका मतलब है मोटी है? तो मैं अपना कभी मैं अपने देखते थे तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, चावल चीनी और मीठा ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब बेटा छोड़ी हुई सब ना करा करें यार। महमूद मिसेस रोटी दाल सब्जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना सोचे। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आप इतने कंट्रोल करें, जिंदगी थोड़ी तो हमारी जिंदगी होती कितनी है, 70-80 साल, खींच ली तो 90 साल, खाया पिया करें, दिल में ये मत सोचे कि मैं ये खाऊंगी, तो मुझे ऐसा मत सोच के। अलबत्ता सभी मेरी वर्क नहीं है, मैं घर में ही काम करती हूँ। ये देखा ना, थोड़ा वॉक देखिए, पसीना जब निकलता है ना, इंसान जब कुछ वर्किंग करता है तो वो जो कुछ खाया पिए ना वो तो जादू मंत्र हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग मैं सच बता अगर नहीं है तो वॉक बहुत जरूरी है, बल्कि अपने साथ 2-3 मेरी तरह चिल्ली मिली ले लिया करें, चिल्ली मिली मतलब अपनी दोस्तें वोस्तें पकड़ ली, थोड़ा गॉसिप चौसप किया, निकल जाया करें, इतना मजा आएगा, टाइम भी अच्छा गुजरेगा और अगले दिन फिर माइंड बन जाएगा चलो जी आगे, अकेले जाएंगे ना तो दिल नहीं लगता, एक दो लोग दोस्तों को ले लिया करें फिर बड़ा मजा आएगा। मेरे पोता पोती हैं बहुत खूबसूरत प्यारे, निकलते हैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उन लोगों के साथ में, हम सब जाते हैं, मेरा बहू बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, 3 बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको किसी की क्या जरूरत है, वाह वाह, पोता पोती तो वैसे ही नवासा नवासियों की शादी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको खुश रखे और ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपके में ये पेन जो है ना, आप डिस्टर्ब होती होंगी मुझे मालूम है, तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं और डिटेल में फिर आपका इसका आंसर देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेट के मुताबिक और इसके मुताबिक बताएंगे। हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है, ये बेचारे हमारे घुटने जो है इनको बेयर करते हैं, आपके तमाम वजन को जो है ना हमारे घुटने ही उठाते हैं। किसी जमाने में आपके घुटने जो है ना बिल्कुल शीशे की तरह होते हैं, जैसे शीशा, एक शीशा दूसरे शीशे पे बहुत खूबसूरती के साथ स्लिप करता रहता है, तो ये घुटने हमारे चलते रहते हैं। ओवरवेट की वजह से और उम्र की वजह से हमारे घुटनों में कुछ तब्दीली आ जाती है, पहले यानी कि बिल्कुल ये सुपरा ही होते हैं, फिर बाद में ये लियारी लियारी की कोई पुरानी सड़क बन जाते हैं। इसी तरह जैसे कि
खुरदरापन उनके अंदर आ जाता है। जैसे आज आजकल बारिश के अंदर जो सड़कों का हाल हुआ हुआ है, वही हाल आपके घुटना का हो चुका होता है। और जब ये खुरदरे हो जाते हैं और दो हड्डियाँ आपस में उठते बैठते चलते फिरते चढ़ते उतरते टकराती हैं, तो इनके अंदर एक ख़ास किस्म का दर्द होता है। अब ये है कि जो आपके घुटनों में दर्द है उसको ये देखना होगा कि उसकी स्टेज किस स्टेज के अंदर है। आया यानी को मेडिसिन से बेहतर हो सकते हैं, आया उनके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डिपेंड करता है डिसीजन के ऊपर। इसी तरह जो रीढ़ की हड्डी की वजूहत हैं वो ये है कि आपके जो हड्डियां हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से इस उम्र के अंदर ज़रा वीक हो गई होती हैं। पहले वो संगे मरमर की थी जवानी के अंदर, अब यानी कि वो स्पंज की तरह नरम हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये नरमी की वजह से कोलैप्स कर जाती हैं, यानी कि आपस में दब जाती हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। तीसरा, इनके अंदर इस उम्र के अंदर रफनेस पैदा हो जाती है, जैसे घुटने में रफनेस पैदा हो गई, खुरदरापन पैदा हो गया, रीढ़ की हड्डी के अंदर भी खुरदरापन पैदा हो जाता है। और बाज़ औक़ात आपको इनके अंदर नोके मिलेंगी, यानी कि अच्छी खासी नोके मिलेंगी मूवमेंट के दौरान, यानी कि फिर वो तकलीफ देती हैं। ओके, देखा ना, इन्होंने पूरा डिटेल में आपको। अच्छा हाँ, इसमें एक बात मैं कि इनके सर की दर्द की है, हमारे एक बड़ा फैशन है, जरा सी सर में दर्द मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, जरा सी दर्द मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। ये क्या बात, यानी कि ये एक ऐसा यानी कि तकलीफ दी बात है कि जो हम सुन के ना हमें बड़ी तकलीफ होती है। मैं सीधी सी बात करूं, इसलिए कि सर में दर्द की वजह आपकी नींद पूरी नहीं हो तो उसमें भी सर का दर्द हो सकता है, आपकी आई साइड वीक है तो उसमें भी सर का दर्द हो सकता है, आपको बुखार है तो उसमें भी सर का हो सकता है, आप किसी फिक्र में मुब्तला है तो उससे भी। फिर ब्लड प्रेशर क्यों, ब्लड प्रेशर हो, अगर एक मरतबा ब्लड प्रेशर है तो वो इंसान के साथ वफा करता है, इंसान इंसान के साथ वफा नहीं करता। लेकिन ब्लड प्रेशर सारी ज़िंदगी इंसान के साथ वफा करता है, जिसका हो जाते उसको कभी नहीं छोड़ता। लिहाजा इसको अपने जूतों के लिए बात जोड़ रहे हैं आप, ब्लड प्रेशर वफा करता है, सारी जिंदगी आपका साथ देगा। ये तो शुगर भी नहीं ऐसे ही, शुगर भी ऐसे ही है, ये सारी जिंदगी आपका साथ देगी, कोई साथ दे ना दे, कोई दे ना दे, लेकिन इसने आपका साथ देना है। ये बात तो इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए आप खुदारा अपने वक्त के ऊपर दवाई खाया करें, चाहे नॉर्मल हो तब भी खाना है, यानी कि बड़ा हुआ हो तब आप खाएंगे खाएंगे। इसलिए जो आपका एंटीडस डोज आपके डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है उसको यानी कि आपने लेना ही लेना है, तो उसको किसी भी हालात में नहीं छोड़ना, क़यामत तक उसको समझे, आपने डॉक्टर कहे ना कहे आपने उसको खाना ही खाना है। यानी जिस दिन यानी कि सर में दर्द हुआ उस दिन खा लिया, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन छोड़ दिया, ऐसा ना करें। सर के दर्द की एक और वजह भी होती है जिसको हम मिग्रेन कहते हैं, एक मरतबा वो दर्द शुरू हो जाए तो चार चार पाँच पाँच छः छः दिन रहती है, फिर एक दिन या दो दिन के लिए आपको रिलीफ मिल जाए, फिर यानी कि उसके बाद वो फिर शुरू होती है, तो उसका प्रॉपर जो है ना न्यूरोसफिजिशन से उसका इलाज करवाएं, ताकि आपके सर का जो परमानेंट मसला बना हुआ है वो खत्म हो जाए। ओके डॉक्टर साहब, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये तो हो गई तमाम अवेयरनेस, हमने आपको नॉलेज दे दी कि आपके अंदर इंटरनल कैसे कैसे सेटिंग है और कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस होती है, रीजन क्या है। अब हम इसकी प्रिकॉशन पे चलेंगे, लाइक कि हमें इनटेक मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने खाने पीने में क्या चीज इस्तेमाल, जैसे डॉक्टर मिसेस महमूद ने कहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी पी लेता बंदा, वो कभी शादी में चले गए लेकिन स्पेशल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने चावल कहा, बड़ा गोश्त या इस तरह बहुत सारी चीजें। डॉक्टर साहब बेसिकली हमें अपने, क्योंकि हमारे जिस्म को प्रोटीन भी चाहिए मीट की सूरत में, हमारे पोटाशियम भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए एंड कैल्शियम भी चाहिए, तमाम चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है और अल्लाह पाक की तमाम नेमतें बहुत जरूरी है, लेकिन मेजोरिटी हम लोग मैनेज नहीं कर पाते और डेली बेस पे जो भी खाते हैं वो हमारे लिए नुकसान दे। आप क्या कहते हैं हमें स्पेशली अपने ऑर्गन्स के लिए और अपनी हड्डियों के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल चेंज करें। यानी कि सबसे पहले हर वो काम जिसमें आपका वजन बढ़ता है या बुढ़ापा जो वजन जिस चीज़ों में बढ़ता है उससे आप बचने की कोशिश करें। नंबर दो बात है कि आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज जो है आपको उसकी एक आदत बना लें, कम से कम आपको 6000 स्टेप या कम से कम 4 किलोमीटर रोज़ाना चलने की आदत डालें, ताकि आपके अंदर का जो ग्लूकोज है और गैर ज़रूरी घी वगैरह आपने खाया वो आपका बर्न हो जाए और आप नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाएँ।
हमें वजन को कभी नहीं बढ़ना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए और यानी कि जितना भी ओवरवेट होंगे हमें बहुत सारी चीज़ों से मोहब्बत हो जाएगी, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, फालिश से, हार्ट अटैक से, गुर्दों का फेल हो जाना, इन चीज़ों से फिर बड़ी मोहब्बत होती है। जो लोग वजन नहीं होते वो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा और उसके बाद फिर सवाए इसके कि आप हम बे यारो मददगार बेड की जीनत बने रहे, इसके अलावा है कुछ नहीं। तो बेहतर है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, चिकनाइयों से परहेज करें। ये जो हमें मिलावटी खाने मिलते, बदकिस्मती हमें कि हमें हर चीज़ सब्जियों में भी मिलावट है, जूसेस में भी मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। और ये जो फ्रेगरेंस है और ये जो फ्लेवर एनहांसर बने हुए हैं जूसेस वगैरह के, कोशिश प्रिजर्व चीजें जितनी हैं उससे नुकसान, प्रिजर्वेटिव जो हैं उनसे आप बचने की कोशिश करें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। वॉक के ऊपर यानी कि ख़ास तौर पे, ये नहीं कि आपने बहुत सारे वजन उठाने हैं कुछ करने हैं, यानी कि भागने और आराम से चलने के दरमियान का जो स्टाइल है वो उसको अपना लें और इसके ऊपर मेहनत करें। और कोई बात नहीं, आधे घंटे वॉक रोज़ाना। आपके जो शूज़ हैं उसकी सिर्फ 1.25 इंच हील होनी चाहिए, वो 1.25 इंच जॉगर का जो हील है वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात जो है वो तो आपको समुंदर के किनारे ही अच्छी लगेगी, लेकिन हाँ समुंदर हर का किनारा हर एक को तो नहीं मिल सकता, तो वो जॉगिंग ट्रैक्स हैं या घास है, तो जॉगिंग ट्रैक्स भी जो नरम हैं उनके ऊपर वॉक करें, अगर नरम नहीं है तो फिर घास के ऊपर वॉक करें, ताकि आप हमारे घुटने जो वो शहीद होने से बच जाएँ। कितना जितनी सख्त जगह पर आप वॉक करेंगे हमारे घुटने शहीद होते रहेंगे और हमें यानी कि प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम चलती रहेंगी, तो किसी भी नरम जगह के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करें। ओके डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही हैं और हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम किचन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब भी मेरे साथ ही हैं और यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हैं डॉक्टर अनवर साहब के साथ। यस yes.